for financial dimension. So can we leave it blank? देखिए ये जो स्कोर कार्ड है ना ये हम इनकरेज नहीं करते कि इंडिविजुअल लेवल तक का स्कोर कार्ड बने हम ये कोशिश करते हैं कि स्कोर कार्ड जो बने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में फिर डिवीजन लेवल पे डिपार्टमेंट लेवल पे और मैक्सिमम टीम लेवल पे टीम से नीचे लेवल पे स्कोर कार्ड को नहीं वैसे हम तो कहते हैं डिपार्टमेंट लेवल पे रुक जाएं बिकॉज वो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसको कंट्रोल करना वो आप देखें ना प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक जो एक टीम है जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस डिपार्टमेंट है वो अगर देयर आर यू नो 3000 एम्प्लॉइज तो वो 3000 स्कोर कार्ड्स को सेपरेटली तो नहीं है वो देयर इज समथिंग एल्स वो जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसको भी हम कवर करेंगे दैट्स अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जिसका एक पार्ट ड्राइव होता है फ्रॉम द स्कोर कार्ड तो यू नो इन एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस यू माइट सी अ नंबर which is coming from the scorecard for his or her team but making a scorecard for each and every member in the organization that becomes too complex then okay so ye hum department division level tak isko rakhte hain ek azan sun lete hain रियलिटी चेक कर लेते हैं आप लोग बताइए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग देखते हैं स्कोर कार्ड स्पेशली द यंगस्टर्स यू हैव सीन समथिंग लाइक दिस कोई इसमें चेंज कोई मॉडिफिकेशन कोई फीडबैक एनीथिंग दैट सी न्यू व्हिच इज नॉट हियर जो हमने प्रीवियसली देखा है या जो हमने डिस्कस किया है यूजफुल टूल है या इट्स लाइक ओके गुड एनाफ ओके सो अगर हम वो एक हेड टू टो फ्रेमवर्क को ध्यान में रखें सो माय हम्बल सबमिशन इज दैट फॉर ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी स्टार्ट फ्रॉम द विजन वी एंड अप इनिशियली टिल मेकिंग द कोर प्रोसेसेस सो दैट यू नो KPIs and CSMs and mission and so on, and then we have the complete framework. जो उसके बाद आपने इस साइट पे देखा था, which is related to primarily a continuous improvement and measurement of what we have developed. अगर वो हम ensure करते हैं, तो वो जो systems वाली साइट थी in achieving the results, which is a major a core leadership function. I think it's a good way to handle that part. Now let's come to the hard part. जो इंटेंशन जो नीयत जो इमोशंस जो हम बात करें लेट्स ट्राई टू सी एंड हैंडल दैट आई वुड से लेट्स दैट्स द नेक्स्ट फेज ऑफ टुडे सेशन आई बीन टीचिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नो अ कपल ऑफ टाइम्स आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट ये थ्योरी ऑफ नीड्स हर दफा कहीं ना कहीं नजर आ जाती है Because now we are talking about an organization. Organization में individuals हैं so हमें individuals की और हमने कहा जी कि yes, they feel, they have emotions, they inspire, they get inspired. So although is anybody seeing this for the first time? सबने इसको पहले से तो बेसिकली इस पर कुछ लोग क्रिटिक करते हैं जी कि मॉस्लो का जो अपना लाइफ स्टाइल था ये हम पॉलिटिकली करेक्ट तो नहीं हो रहे एवरीबॉडी हैज सीन दिस राइट ओके बिकॉज दिस इज वेरी कॉमनली यूज्ड सो पीपल सम पीपल क्रिटिसाइज दिस फ्रॉम अ व्यू पॉइंट दिस जी कि उसकी अपनी लाइफ स्टाइल इस तरह की थी कि वो पहले बहुत एक यू नो रैग्स एंड सो ऑन एंड आहिस्ता आहिस्ता यू नो ही अचीव्ड सम लेवल सो ही एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड वॉट ही हैड एक्सपीरियंस इन लाइफ एंड पीपल चैलेंज दिस एंड से यू नो देयर आर पीपल जिनकी ये फिजियोलॉजिकल तो ऑब्वियसली आर वेरी बेसिक लेवल नीड्स लेकिन यहाँ पे वो जंप करते हैं बिलोंगिंगनेस से सेफ्टी से डायरेक्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाते हैं या यू नो दे कैन स्किप अ कपल ऑफ दीज एंड गो अपवर्ड्स तो ये सिर्फ इसलिए बहुत जरूरी है देखना कि वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल्स नीड्स एंड वॉन्ट्स राइट एंड दिस थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश एंड वाइडली यूज थ्योरी फॉर द नीड पैटर्न ऑफ वेरियस पीपल नीड फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक
you know, physiological and safety needs before they go to a level where they are really inspired by a cause that they don't care about anything else. जब जिस जगह पे वो artist और शायर और वो पहुंच जाते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं कि we don't care about the world, about how we are dressed up, about which car we are driving, which kind of house we are living in. But वो obviously कहीं यहाँ पे जाके, but I'm not discussing this theory, I'm just flashing it कि ये एक basic tool हो सकता है to just judge कि वो entity कैसे perform करती है जिसको हम human कह रहे हैं. और based on our discussion, what I thought was कि यहाँ तक जो है काम, जहाँ पे हम safety और physiological needs की बात करते हैं, ये probably management के domain में आता है. and इसको मिला के, इसके समेत जब हम belongingness और self esteem और self actualization level की needs को fulfill करना चाह रहे हैं as a leader, right, then we are doing something which is beyond management. So the managers are also taking care of the physiological and safety needs, and to some extent I might say even the belongingness. You know, हम बात करते हैं employee loyalty की भी बात होती है, retention की भी बात करते हैं. retention तो शायद मैं समझता हूँ बड़ा greedy सा word है, उसमें हम शायद ensure करना चाहते हैं a specific resource. but अगर हम वाकई loyalty देखते हैं, comradism जिस तरह होता है, the defence of management की, by the way बहुत सारी theories leadership की मिलिट्री से इवॉल्व हुई है आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर इफ यू गो थ्रू द लिटरेचर, बिकॉज़ जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज की बातें होती हैं, जो लीडरशिप फंक्शन की बात होती है, दैट हैज लॉट ऑफ बैकग्राउंड फ्रॉम द मिलिट्री एज वेल. सो आई जस्ट वांटेड टू से कि जो ब्रेन वाला पार्ट है और जो प्रोसेसेस वाला पार्ट है वो मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, बिकॉज यू नो ब्रेन अंडरस्टैंड्स कैरेट, ब्रेन अंडरस्टैंड्स स्टिक आल्सो, बट सम नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है. सॉरी, किसका हिस्सा नहीं? मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो फोकस करता है रिसोर्सेस पे और रिजल्ट्स पे, और उन रिसोर्सेस को थोड़ा बहुत, जिस तरह मैंने कहा कि देखने की कोशिश करते हैं कि ये वाली नीड्स थोड़ी सी पूरी हो जाए, और फिर वो रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं. मैनेजर्स गिव रिजल्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे फील प्राउड अबाउट इट, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजर्स उनको, अगर वो मैनेजर्स उनको टारगेट, जी अच्छा, वैसे ये बिल्कुल एक डिफरेंट, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. मैं इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि लीडरशिप का फंक्शन फोकस्ड होता है ऑन दीज नीड्स ऑफ द पीपल. ये आप बात करें कि वो एग्जिबिट कर, ही वाज एग्जिबिटिंग अ बिहेवियर वेयर ही वाज लेट्स से ऑन अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल और मे बी सेल्फ एस्टीम लेवल, एंड ही माइट नॉट बी एट अ वेरी सीनियर लेवल इन द बैंक, राइट. सो that's agreed, but that's different from what we are saying here. What we are saying is that the leaders in the organization, they focus on people's needs, which are probably the higher level needs also, in addition to the basic needs. The managers focus their attention on the basic needs to get the results out. Right? Thoda sa mukhtalif hai, but that's a fact about an individual who was not at a very higher level.